Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किए ट्रेलिंग नीस अलॉट एरीज़ मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मैंशनड है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस ओके एरीज़ ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जी हाँ अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है इशूज़ है और इफ़ यू जनरली वॉन्ट टू चेक दिन आप ये वीडियो देख सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्ट अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए Angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of September 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the alchemist. Current energies of your person is the taslim. Intention of your person, Five of Swords, future action of your person is Ace of Swords, your energy.

जमना लिब्रो एक्वेरियस एंड वर्ग बाकी आपका पर्सन जिस भी जोरिया साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो प्लीज एनर्जी यहां पे रिवर्सल कर देना क्योंकि दिस इज योर पर्सन रो दिस इज योर रो ओके आपके पर्सन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मान के चलो फोर टू ट्वेंटी डेज के अंदर अंदर ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ओके द इशू ओवर हेयर इज दैट कि आप महा पर्सन हो एरीज सो इगोटिक बिल्कुल झुकना नहीं है बिल्कुल सॉरी नहीं बोलना है बिल्कुल अकड़ दिखानी है एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना अपने अकॉर्डिंग आपका पर्सन भी कम बेवकूफ नहीं है कम वैसे नहीं है आई मीन यू गाइज आर यू गाइज आर बिल्कुल एकदम होता ना कि दोनों के लक्षण खराब है दोनों बेकार लोग हैं वो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे एक होता है ना कि इंसान एक लाइक द थिंग इज दैट ना कि आप सामने वाले पे पॉइंट आउट कर रहे हो ये मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ आप सामने वाले पे पॉइंट आउट किए तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो बट आप लोग अपने घर में नहीं झांक रहे हो बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं झांक रहे हो अपने अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो होनी hmm. डिटेल anyway, में बात करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड द म्यूचुअल एनर्जी इज बिटवीन बोथ ऑफ यूज ओके यहाँ पे दोनों में से कोई ये नहीं सोच रहा है कि वो मुझे ब्रेकअप करना है वो मुझे अलग रहना है नो no. आप दोनों के मन में है कि ये अभी रिश्ता कंटिन्यू ही रहेगा मुझे हम दोनों को इस रिश्ते में कंटिन्यू ही रखना ये रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए मैरिड लोगों के लिए रीडिंग हो हो रही है आप दोनों ना वेट कर रहे हो कि सामने से कब कांटेक्ट आपका पर्सन भी वेट कर रहा है कि भाई एरीज ये मुझे कांटेक्ट करे आप भी वेट करो कि ये सामने से कांटेक्ट करे म्यूचुअल एनर्जीज में आप द थिंग इज दैट आप दोनों के केस में ना मैं 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 ज्यादा कि मेरी नीड्स मेरा ये मेरा वो आपका भी पर्सन मेरा 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 यहाँ पे कोई अपनापन नहीं देर इज देर इज लैक ऑफ केयर ओवर है यहाँ पे कोई केयर नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये यह नहीं दिख रहा कि हम सॉर्ट आउट करेंगे इस इश्यूज को नहीं ये हमारा रिलेशनशिप है हम दोनों को ग्रो करना है जो वी की भावना होती है ना हम की हम की भावना नहीं यहां पे सब इंडिविजुअल चीजें दिख रही है इंडिविजुअल वो है कि मेरी नीड्स फुलफिल हो रही है कि मेरी डिमांड्स फुलफिल हो रही की नहीं सामने वाला क्या फील कर रहा है सामने वाला क्या सोच रहा है उससे आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों ही हाईली सेल्फिश लोग दिख रहे हो मुझे इस कनेक्शन में

इन्हें ऐसा फील होता है कि आप एरियज हमेशा इन्हें डाउनग्रेड करते हो कभी इन्हें मोटिवेट नहीं करते हो कभी अच्छी बातें नहीं करते हो जो कि दिख रहा है एनर्जीज में या ये एनी वे करेंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग की क्या मुझे एरीज के साथ रहना चाहिए क्या मुझे एरीज के साथ नहीं रहना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स मेजर कर रहे हैं कि आपके साथ रहने में ज्यादा फायदा है या आपके साथ रहने में नुकसान है दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू सोच रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देर इंटेंशन फॉर यू या ये पर्सन आपके ऊपर एक पर्सन ट्रस्ट नहीं करता है ये बहुत नेगेटिव सोचता है इंटेंशन में इनसे अगर पूछ लो कि मेरे बारे में चलो पांच अच्छी चीजें बताओ तो ये नहीं बता पाएंगे आपके बारे में इंटेंशन में ना दे फील दैट यू आर जो इन्हें हमेशा इन्हें कभी अच्छी अच्छी बातें नहीं करते आप पता होंगे जब आप किसी की केयर करते हो ना

क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज में तो रहना चाहते हैं बट बहुत कंफ्यूज माइंड है अब दोनों के बीच में कुछ बहुत गलत हुआ है कुछ बहुत गंदी फाइट हुई है कुछ बहुत गंदी चीज हुई है जिस वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इनके जो आसपास के लोग हैं वो बोल ये जब अपनी कहानियां बताते हैं तो आसपास के लोग बोलते हैं क्या एरीज तो बहुत ही टॉक्सिक है बहुत ही डोमिनेटिंग है आप इन्हें छोड़ दो तो बेहतर रहेगा कोई इन्हें भड़का नहीं रहा है बट जब ये ओपिनियन लेते हैं अपने फ्रेंड्स से अपने फैमिली से तो इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि भाई छोड़ दो इस पर्सन को इंटेंशन में ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर इंटेंशन में मुझे एक और एनर्जी आ रही है कि ये डरते हैं आपसे ये डरते हैं आपसे एरीज

नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे बट अब एक चीज बताऊं अब एक चीज बताऊं एरीज अगर आप बहुत ही डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग पॉजिटिव नेगेटिव रहे हो ये अब आपकी ना बदतमीजी नहीं झेलने वाले एरीज ये अब ये नहीं कहेंगे कि आप इन्हें टॉर्चर कर रहे हो आप इन्हें बदतमीजी से बातें कर रहे हो तो ये झेलेंगे अगर आपने कुछ बदतमीजी से कुछ बोला ये आपको उल्टा जवाब देंगे नाउ द फ्यूचर एक्शन इज लाइक इनफ इज इनफ मैं किसी की नॉनसेंस मैं किसी की बदतमीजी तो अब नहीं झेलने वाला हूँ दैट्स ए फ्यूचर या ये कंटिन्यू तो करना चाहते हैं इस रिश्ते को बिकॉज आप लोग के बीच में अच्छी फीलिंग्स रही हैं प्यार रहा है बट नाउ ये प्रैक्टिकली इस रिश्ते को वो करेंगे इमोशंस में आके या चुप रह के इस रिश्ते को हैंडल नहीं करेंगे उल्टा जवाब देंगे उल्टा जवाब भी नहीं ये ये खुद से कभी कुछ ऐसा नहीं इंस्टिगेट नहीं करेंगे आपको ये खुद से आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगे बट अगर आपने कुछ किया तो ये आपको मुँह जवाब देंगे बी रेडी फॉर दैट लाइक like यहाँ पे दोनों में बहुत प्रॉब्लम है और मेरे हिसाब से इस ये पर्सन अपनी गलतियां भी रियलाइज कर रहा है विद द हैं एनर्जी कि ये कहाँ गलत रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि अपने नेचर में अपने एक्शन में भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे कोई डायवोर्स नहीं दिख रहा है नो रिश्ता चलेगा आप लोगों का बट ये पर्सन अपने नेचर में भी बदलाव लाएंगे बट अगर अपने नेचर में बदलाव ला रहे हैं विच इज वेरी गुड बट सामने वाला बदल नहीं रहा है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना वो ही दिख रहा है इन द फ्यूचर एक्शन की अब आपके नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करेंगे ये कर रहे हैं कॉन्टैक्ट एनी वे लेट्स गेट स्टार्ट विद योर एंड करेंट एनर्जी आप देखो अकड़ 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 ईगो 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 तीनों काज ईगो के हैं वट इज रॉन्ग विथ यू एरीज ये आप ही की एनर्जीज हैं इतना गुस्सा क्यों आता है आप लोगों को क्यों इतना गुस्सा है क्या हो गया इतना लाइक like, इतना एंगर इतना एंगर व्हाट इज दिस इतना ही गुस्सा आता है तो अकेले क्यों नहीं रहते हो अकेले रह लो ना अकेले अपना जाओ नौकरी करो अकेले आओ चुपचाप खाना खाओ सो जाओ अकेले रहना सीख लो यू आर हाईली डोमिनेटिंग ये कौन है हु दिस पर्सन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करेंट uh, एनर्जीज में आप डेफिनेटली इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो आप बहुत ज्यादा आप सुपर डुपर अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के लिए आपको इनकी फिजिकल ब्यूटी बहुत पसंद है करंट एनर्जीज में आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो बट अभी आप खुद से कांटेक्ट करने के जोन में नहीं हो यू आर नॉट यू आर नॉट लाइक मैं मैं तो कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा ऑल्सो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज में आप लोगों ने पब्लिक में एक ऐसी इमेज बना रखी है आप दोनों की भी अरे हम तो आइडियल कपल है अरे हम तो बिल्कुल

ऑफकोर्स इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो बट ईगो कम करना पड़ेगा आपको यू आर इंटेंशन फॉर दिस पर्सन यू आर वेरी मच सीरियस फॉर दिस पर्सन नो डाउट अब बहुत सीरियस हो आप डेफिनेटली प्यार भी करते attracted हो अट्रैक्टेड हो सीरियस हो इंटेंशन में क्या है ये क्यों है इतनी अकड़ क्यों नहीं चेंज करना चाहते हो अपने आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं, मेरी प्रॉब्लम्स को ये नहीं हुआ स्टॉप विद दिस एनर्जी भाई इतना क्या नार्सिसिस्ट हो रहे हो आप लोग इंटेंशन में आप इस 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 पर्सन को कंट्रोल में लाना चाहते हो इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ लिटरली तो, बदतमीजियां करना चाहते हो स्टॉप विद एटीटेज एंड मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ नर्जी वैसा वैसा कर लेना अपने अकॉर्डिंग देर इज देर इज नीड आपके अंदर मैस्कुल एनर्जी बहुत स्ट्रॉग है आपके अंदर sensitivity की कमी आपके अंदर feminine energies की कमी है प्यार से डील करो भाई थोड़ा एडजस्ट यहाँ पे मैं आपको पूरा ओवरऑल में आपको यही बोलूंगी प्लीज प्यार से डील करो अपने पर्सन से प्लीज थोड़ा केयर थोड़ा एडजस्टिंग नेचर का थोड़ा सुन लो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना हल्का सा भी ये रिश्ता बचा रहेगा उड ये कॉम्प्रोमाइज एंड के लिए रेडी है बट अब आप, आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो वरना अकेले रह लो भाई मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ अगर, अगर खराब है तो अकेले रह लो भाई थोड़ा प्यार थोड़ा केयर थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ ये रिश्ता हैंडल करना पड़ेगा आपको जो फ्यूचर एक्शन फ्यूचर एक्शन भी तो बहुत खराब दिख रहा है मुझे तो आप लोग का आप बहुत कंट्रोलिंग होते हुए दिख रहे हो आप बहुत एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हो उस पर्सन के लिए गुस्सा फ्रस्ट्रेशन गंदी गंदी बातें बोलना बदतमीजी करना ये दिख रहा है मुझे सो द द गाइडेंस सी आई 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 डोंट डोंट वांट 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 यू 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 टू 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 बी 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 दिस दिस ऑल अ लिटिल सेंसिटिव सेंसिटिव बनो आप प्यार अडजस्टिंग बढ़ो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग आप खुद प्यार से बोलोगे ना और तो जब सामने वाला भी देखेगा अरे बंदा प्यार से बोल रहा है बंदी प्यार से बोल रही है तो सामने वाला भी पिघल जाएगा थोड़ा हल्का सा हल्का सा हल्का हल्का करोगे ना तब धीरे धीरे वो परिवर्तन आएगा कैन चेंज, इट्स ओके आपने गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाला कोई बात नहीं इट्स ओके बट अभी भी टाइम है सुधर जाओ एरीज आप लोग और अगर ये आपके पर्सन के एनर्जी तो सेंड दस रीडिंग टू योर पर्सन ताकि वो समझे द फ्यूचर ऑफ द होल ऑफ सोल कनेक्शन देखो यहाँ पे फ्यूचर में मुझे बहुत मुझे बहुत फाइट्स दिख रही हैं के के साथ साथ आप लोगों बीच में जो है है वो बढ़ते हो दिख रही का कोई मतलब नहीं है जब जब उसका और मुझे दिख रहा है गुस्सा लड़ाई झगड़ा फाइट्स बहुत होते हुए दिख रही है बट दिस डॉटर ऑफ वॉर्न एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू पॉजिटिव एज वेल पॉजिटिव में प्यार से बात करो अच्छे से बात करो केयर से बात करो तो ये जो एंगर की एनर्जी है ना वो लविंग एंड पैशन केयरिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तारो होता है, second, सुधर है, में लड़ाई है और मुझे यहाँ आपकी एनर्जीज में दिख रहा है लड़ाई झगड़ा दिस पर्सन एंड यू आल्सो अगर आप ये वीडियो देख ऑफ़ कोर्स आपको ये रिश्ता बचाना है आपको ये मैरिज बचानी वेवर तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा केयर अगर नहीं होता है तब भी नहीं होता है इट्स ओके पार्ट योर बेस्ड बट अभी भी चांस है अभी भी मौका है कि रिश्ता सुधर सकता है दिस वॉज योर रीडिंग एरीज एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल डारो रीडर